नमस्कार, स्वागत है आपका जीडी स्पेशल ट्रिकी क्लास में। तो आज की क्लास में अपन एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे उपसर्ग। तो देखते हैं कि उपसर्गों में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और उनको करने का तरीका कौन सा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। उपसर्ग, देखिए उपसर्ग के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि पहला ही प्रश्न बनता है कि ये है क्या। तो ये शब्दांश है। काफी बार प्रश्न पूछा गया है कि उपसर्ग होते हैं, शब्द होते हैं, पद होते हैं, पदांश होते हैं, शब्दांश होते हैं। तो ये शब्दांश होते हैं, ठीक है, ये चीज। दूसरी बात बताने की भी जरूरत नहीं है, पर फिर भी देख लेते हैं कि उपसर्ग किसी भी मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं। किसी भी मूल शब्द के पहले उपसर्ग जुड़कर नवीन शब्द का निर्माण करते हैं और उसके बाद उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। कैसे? देखिए, एक मूल शब्द है अपने सामने हार, और इसके साथ मैंने उपसर्ग जोड़ दिया उप। अब देखिए, हार जो है वो दो अर्थों में लिया जाता है। शब्द हार एक तो पराजय को कहते हैं, एक गले का आभूषण होता है, दो अर्थों में लिया जाता है। परंतु अब अपनों ने इस शब्द में एक उपसर्ग जोड़ा उप, और शब्द क्या बन गया? उपहार। अब उपहार शब्द किस अर्थ में जाएगा? भेंट में जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हार शब्द ही है, इसके साथ ही अपनों ने एक शब्द जोड़ दिया या एक शब्दांश यानी उपसर्ग जोड़ दिया, प्रति। तो शब्द क्या बना? प्रतिहार। अब प्रतिहार किसके अर्थ में जाता है? द्वारपाल के अर्थ में जाता है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक हार ही शब्द है और इसके साथ ही अपनों ने उपसर्ग जोड़ दिया, उपसर्ग दो जोड़ दिए, वी अव, दो उपसर्ग जोड़ दिए, वी अव और हार। तो शब्द क्या बना? व्यवहार। अब व्यवहार किसके अर्थ में जाता है? आचरण के अर्थ में जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी एक मूल शब्द से पहले अपन कुछ शब्दांश जोड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। ये तो हुआ इसका शाब्दिक अर्थ और इसकी परिभाषा। उपसर्ग कहते किसे हैं और उपसर्ग कहाँ पर किस रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं? बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो देखिए, सबसे पहली तो बात करते हैं अपन प्रश्न किस प्रकार के आ सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है निम्न में से किस विकल्प में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ये प्रश्न आ सकता है कि किस विकल्प में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए, विकल्प है अपने सामने पराकाष्ठा, दूसरा विकल्प है अपने सामने पराधीन, यहां पे जो शब्द आएगा पराधीन, तीसरा विकल्प अपने सामने है पराजय, और अंतिम विकल्प आपके सामने है पराभव। सही विकल्प का चयन कीजिए। पराकाष्ठा, पराजय, पराभव और पराधीन, इन चार विकल्पों में कौन से में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए, यहां पर काष्ठा जो शब्द है
वो सही है तो परा उपसर्ग माना जा सकता है। जे पराजय, जे सार्थक शब्द है तो परा उपसर्ग माना जा सकता है। भव सार्थक शब्द है, भव संसार को कहते हैं तो परा उपसर्ग माना जाता है। अब यहां पर धीन सार्थक शब्द नहीं है, सार्थक शब्द कौन सा है? अधीन है। तो यहां पर जोड़ अधीन और ए प्लस ए की संधि होते हुए आ बनता है, यानी पर जोड़ अधीन की संधि के तहत शब्द बनता है पराधीन, यानी यहां पर उपसर्ग माना जाएगा पर। उसी प्रकार से एक शब्द और भी है पराश्रित। देखिए पराधीन जो दूसरे के अधीन हो, और दूसरा परा नहीं होता पर होता है, पर का शाब्दिक अर्थ होता है दूसरा। उसी प्रकार से दूसरे पर आश्रित, तो पर आश्रित को ही पराश्रित कहते हैं। तो पर मीन्स दूसरा, दूसरे पर आश्रित को। तो इसलिए इनमें, इस और इस शब्द में, दोनों शब्दों में पर उपसर्ग माना जाता है, न कि परा उपसर्ग माना जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। ये है उपसर्गों का सीधा सीधा प्रश्न जो सामान्य तौर पर जीडी की एग्जाम में पूछा जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं दूसरा प्रश्नों का प्रकार कौन सा आ सकता है। चलिए, अगर बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न इस प्रकार से बनता है। एक निम्न में से कौन सा शब्द संस्कृत के मूल उपसर्ग से बना शब्द नहीं है? अब यहां पर आपके सामने विकल्प है कौन कौन सा, तो देखिए, प्रभाव दूसरा विकल्प है आपके सामने, निर्धन तीसरा विकल्प आपके सामने है, नहीं तीसरा विकल्प आपके सामने है, संशय और अंतिम विकल्प आपके सामने है संपर्क। ये लीजिए, चार विकल्प आपके सामने है और प्रश्न में सही विकल्प का चयन कीजिए। ये एक अच्छे लेवल वाला प्रश्न कहा जा सकता है, क्योंकि संस्कृत के मूल उपसर्गों से बना प्रश्न यदि आपको देखना है तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि संस्कृत के मूल उपसर्ग कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि यहां पर सही विकल्प माना जाएगा ये समतल। देखिए, उपसर्ग ये भी होता है और उपसर्ग ये भी होता है। संस्कृत का मूल उपसर्ग ये माना जाता है, ये नहीं माना जाता। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग माने जाते हैं और उन 22 उपसर्गों में ये होता है, ये शामिल नहीं होता। तो यहां पर भी सम उपसर्ग है, सम जोड़ शय, परंतु इसमें ये वाला उपसर्ग है और ये संस्कृत के 22 उपसर्गों में है, तो ये तो हमारा विकल्प नहीं होगा, क्योंकि ये संस्कृत के मूल उपसर्ग से बना हुआ है, ये नहीं बना हुआ तो ये सही विकल्प हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं संस्कृत के उपसर्गों की। देखिए, बीच में मैं यहां पर प्रश्नों का एक प्रकार और भी रह जाता है, परंतु बीच में मैं यहां पर आपको उपसर्ग कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो बता देती हूं।
देखिए, उपसर्गों के भेद। उपसर्ग कुल चार प्रकार के माने गए हैं, ठीक है। कौन कौन से उपसर्ग माने गए हैं? सबसे पहले तो संस्कृत के मूल उपसर्ग, ठीक है। दूसरे, संस्कृत के अन्य उपसर्ग। तीसरे, हिंदी या तद्भव के उपसर्ग। और अंतिम, चौथे, विदेशी उपसर्ग। ये चार प्रकार के उपसर्ग माने गए हैं। अंतर क्या है इनमें? देखिए, जो संस्कृत के मूल उपसर्ग है, मैं आपको बता देती हूं कि जब संस्कृत भाषा बनी थी तब उपसर्ग रखे गए थे। संस्कृत के व्याकरण में सबसे पहले उपसर्ग रखे गए थे, और जो जितने उपसर्ग रखे गए थे उनकी संख्या 22 थी। 22 उपसर्गों से अपन किसी भी मूल शब्द के साथ परिवर्तन कर सकते थे, उनको जोड़कर। यानी कोई भी शब्दांश, जो 22 शब्दांश थे, 22 उपसर्ग थे, उनको किसी भी मूल शब्द के साथ जोड़कर अपन परिवर्तित कर सकते थे। काम चल रहा था आसानी से। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, भाषा विकास करने लगी, और जब भाषा विकास करने लगी तो हमें नए नए शब्दों की आवश्यकता पड़ी, और जब नए शब्दों की आवश्यकता पड़ी तो जाहिर सी बात है कि 22 उपसर्ग हमारे लिए कम पड़ने लगे। अब 22 उपसर्ग कम पड़ने लगे तब आवश्यकता इस बात की होगी कि अब कुछ और उपसर्ग भी होने चाहिए, जबकि अपनों ने यहां पर तो 22 ही रखे हैं, इनसे काम नहीं चल रहा। तो फिर कुछ ऐसे शब्दांश थे जिनको शब्दों के साथ जोड़कर, मूल शब्द से पहले जोड़कर और शब्द बनाए जाने लगे, तो उनको फिर संस्कृत के अन्य उपसर्गों में रख दिया गया। तो मैं आपको बता देती हूं कि मूलतः उपसर्ग तो 22 ही है। बाद में जो जो शब्दांश जुड़ रहे थे उन सभी को उपसर्ग मान लिया गया, और किस श्रेणी में रखा गया? संस्कृत के अन्य उपसर्गों में। अब अगर अपन बात करें हिंदी या तद्भव के उपसर्ग, तो ये कोई अलग से उपसर्ग ऐसे नहीं है कि तद्भव के उपसर्ग बनाए गए। जो हिंदी या तद्भव जो शब्द थे उनके साथ जो शब्दांश जुड़ रहे थे उन्हीं को ही हिंदी या तद्भव के उपसर्ग मान लिया गया। उसी प्रकार से विदेशी शब्दों के साथ जो उपसर्ग जुड़ रहे थे उनको विदेशी उपसर्ग मान लिया गया। तो आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इन फ्यूचर आपके काम आ सकता है। अब अपन बात करते हैं संस्कृत के मूल उपसर्गों की। यहां पर मैं आपको बता देती हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ ये 22 ध्यान में रखिए। अगर प्रश्न आ सकता है तो इन्हीं से संबंधित आ सकता है। बाकी के तीनों भेदों की कोई संख्या निश्चित नहीं है, कोई भी उनका नियत स्थान नहीं है, तो वहां पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। सिर्फ आप इन 22 उपसर्गों को ध्यान में रखें। कौन कौन से हैं तो देखिए, जो 22 उपसर्ग हैं उनमें प्र, परा, प्रति, परि, अप, अव, अनु, आ, अति, अधि, अपि, अभि, सु, सम, दुर, दुस, बी, नी, निर, निस, उद,
ये है 22 उपसर्ग, चार चार प्रत्येक में है, तीन पांच, ठीक है। तो ये 22 उपसर्ग है, ये आप ध्यान में रख लीजिए। यदि कहीं पर भी इन उपसर्गों से बने हुए शब्द कोई भी पूछ लिए जाए तो सीधा का सीधा इसमें आप कौन से मानेंगे, संस्कृत के मूल उपसर्ग मानेंगे। बाकी किसी की संख्या भी निश्चित नहीं है, बाकी किसी से संबंधित पूछा भी नहीं जाता कि भाई कौन सा शब्द है वो हिंदी के उपसर्ग से बना हुआ है, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये पूछा जाए जा सकता है कि कौन सा शब्द संस्कृत के मूल उपसर्ग से बना हुआ है, कौन सा नहीं है, ये दोनों ही तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें यदि आपको ये 22 ध्यान में है तो आपको अन्य किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आप इसको ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। अब अपना जो दूसरा प्रश्न अपनों ने किया था वो अपना क्लियर हो चुका है। तो संस्कृत के मूल उपसर्गों से बना शब्द है तो नहीं है, तो दोनों की दोनों चीजें अपनी क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं अपन अगले प्रश्न की। अब अगला प्रश्न कौन सा और किस प्रकार से पूछा जा सकता है, देखिए। यदि अपन किसी शब्द को देखें तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि निश्चिंत शब्द की, निश्चिंत शब्द की सही स्थिति बताइए। विकल्प आपके सामने हैं, उपसर्ग, मूल शब्द, दूसरा विकल्प आपके सामने है मूल शब्द, प्रत्यय, तीसरा विकल्प आपके सामने है उपसर्ग, मूल शब्द, प्रत्यय, और अंतिम विकल्प आपके सामने है इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी भी कोई भी प्रश्न आ सकता है जिसमें इस प्रकार की स्थिति के बारे में पूछा जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे कि भाई पहले तो जो भी शब्द दिया गया है उस शब्द के टुकड़े कीजिए और कोशिश कीजिए कि उसमें से कहीं ना कहीं से आप सार्थक शब्द को निकाल कर लेकर आए। यदि सार्थक शब्द मिल जाता है तो उससे पहले बचा हुआ उपसर्ग और बाद में बचा हुआ प्रत्यय। तो ये आपको मैं बता देती हूँ कि उपसर्ग में भी प्रश्न बनता है, प्रत्यय में भी प्रश्न बनता है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर यदि अपन शब्द की बात करें तो देखिए नी सिचिंत करें तो सिचिंत तो कोई शब्द नहीं होता, ये नहीं हो सकता। इस प्रकार से मैं करने का तरीका बता रही हूं, अपनी ट्रिकी क्लास चल रही है तो आप कैसे करेंगे कि इसको हर तरीके से तोड़ कर देखिए कहां पर आपको पता चल रहा है कि कोई मूल या कोई सार्थक शब्द आपको मिल रहा है, सार्थक शब्द बच रहा है। तो देखिए यहां पर यदि आप देखेंगे तो चिंता सार्थक शब्द है और ये एक संधि का रूल है और सामान्यतः किसी भी उपसर्ग के साथ, प्रत्यय के साथ या संधि के तहत आप दो शब्दों को मिलाते हैं जिनमें दो वर्णों का मेल होता है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जुड़ने के बाद अंतिम वर्ण का ह्रास कर जाते हैं, यानी एक अंतिम स्वर वहां पर छुप जाता है, हट जाता है। जैसे मान लीजिए चिंता का चिंत हो जाता है, जैसे ही आप किसी के साथ जोड़ोगे चिंता का चिंत हो जाएगा।
भुजा का भुज हो जाता है, जैसे चतुर्भुज शब्द आपने देखा होगा। तो जहां भी आप भुज शब्द देखो तो वहां पे हमेशा ये मानना है कि वहां पे जो सार्थक शब्द है, मूल शब्द है, वो भुजा है। उसी प्रकार से निशा, उसका भी निश हो जाता है। जैसे संधि में एक शब्द पूछा जाता है अहन जोड़ निशा, तो उसकी संधि होती है अहर्निश, न कि अहर्निशा। तो निशा का निश, भुजा का भुज और चिंता का चिंत। एक शब्द और, रात्रि का रात्र बन जाता है। यदि अपन सार्थक शब्द की बात करें तो नवरात्रि नहीं होता, नवरात्र शुद्ध होता है। तो नवरात्र शुद्ध होता है क्यों? क्योंकि नव के साथ जैसे ही रात्रि मिली तो रात्रि का क्या बन गया? रात्र बन गया। तो ये कुछ शब्द है जिसमें अपने को इस प्रकार से परिवर्तन करना होता है। तो यहाँ पर भी चिंता मूल शब्द है, सार्थक शब्द है, और ये जैसे ही निस उपसर्ग के साथ जुड़ा तो वैसे ही चिंत शब्द बन गया। एक चीज और, कभी भी उपसर्ग ये नहीं होता, कभी भी उपसर्ग ये नहीं होता, हमेशा ध्यान में रखना। जहां कहीं भी शब्द में, जैसे मान लीजिए इस प्रकार का शब्द देखें आप, निष्पाप, निश्चिंत, जैसे निश्चिंत इसमें ये वाला शय है, इसमें ये वाला शय है, तो आप ये मत मान लीजिएगा कि इस शब्द में ये वाला उपसर्ग है। बिल्कुल नहीं है, ये उपसर्ग होता ही नहीं है। इसमें भी आप ये मत मान लीजिएगा कि ये उपसर्ग है, नहीं, ये वाला शय उपसर्गों में होता ही नहीं है। उपसर्गों में न तो तालव्य शय होता है और न ही मूर्धन्य शय होता है। उपसर्गों में सिर्फ और सिर्फ दंत्य शय रखा जाता है। तो उपसर्गों में सिर्फ ये शय होगा, कहीं भी शय शय कुछ भी देखने को मिले आप उपसर्ग ही करेंगे, ठीक है। तो निश उपसर्ग माना जाएगा और उसका बन जाएगा निशा, निश भी बन जाएगा और ये निश भी बन जाएगा। इसमें भी ये उपसर्ग है और इसमें भी ये उपसर्ग है। अब आते हैं अपन प्रश्न के उत्तर पर। देखिए, उपसर्गों में ये उपसर्ग है और ये क्या है? मूल शब्द। तो इस शब्द में सिर्फ उपसर्ग और मूल शब्द की स्थिति बन रही है। तो उपसर्ग और मूल शब्द यानी अपना विकल्प ए इसमें सही उत्तर मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न का एक प्रकार है। वर्तमान में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल ये मत समझे कि मैंने उपसर्ग देख लिए तो मेरे प्रश्न क्लियर हो गए। आप उपसर्गों के साथ मूल शब्द भी देखिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर उपसर्गों के संबंध में एक दो चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी चीजें आपके ज्यादा काम में आ सकती है। देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, उपसर्गों की मात्रा कभी भी बड़ी नहीं होती, कभी भी बड़ी नहीं होती। कहीं आप ये शब्द देखो दुरम में, हर आप ये उपसर्ग कर दो, जी नहीं, उपसर्गों में कभी भी मात्रा बड़ी नहीं होती, उपसर्गों की मात्रा छोटी ही होगी। इस प्रकार से उपसर्ग आ सकता है, ठीक है, कभी भी ये नहीं आता। चाहे ई की मात्रा ही क्यों ना हो और चाहे ऊ की मात्रा ही क्यों ना हो, उपसर्गों में सदैव छोटी होगी। चाहे वी हो, चाहे नी हो, चाहे निर हो, चाहे निर हो, चाहे निश हो, चाहे प्रति हो, छोटी मात्रा, चाहे परी हो, छोटी मात्रा, हमेशा ही उपसर्गों में छोटी मात्रा होती है। तो कभी भी आप शब्द की प्रारंभ में बड़ी मात्रा देखो और बड़ी मात्रा वाले को उपसर्ग बता दो तो ये बिल्कुल गलती नहीं करनी है। उपसर्गों की मात्रा चाहे ई की हो चाहे ऊ की हो, छोटी ही होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई निश में यह उपसर्ग होता है, न ही यह होता है और न ही यह होता है, उसी प्रकार से दुष जो उपसर्ग होता है
उसमें भी यही सया होता है। तो आप ये चीज मानकर चलेंगे कि उपसर्गों में यही सया आएगा, बाकी दोनों के दोनों शय नहीं आएंगे। चलिए, उपसर्गों में दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुछ उपसर्ग ऐसे हैं कि जिनमें परिवर्तन जो है वो दो रूपों में होता है। दो रूपों में कैसे? सीधे सीधे उपसर्ग जुड़ जाते हैं और संधि के तहत भी परिवर्तन हो जाता है। तो दो प्रकार से चीजें आ सकती हैं। अब संधि के तहत बनने वाले और सीधे जुड़ने वाले अपन शब्दों को देखते हैं। देखिए, एक शब्द अपने सामने है, यदि अपन देखें उपसर्गों में अपन देखें अति का देख लेते हैं। अति उपसर्ग है, अति से बना हुआ सीधा सीधा शब्द देखें, जैसे मतलब सीधा उपसर्ग जुड़ा हुआ और संधि वाला। तो देखिए, एक शब्द है अतिशय। अब जो शय शब्द है, इसके साथ अपनों ने किसको जोड़ा? अपनों ने अति उपसर्ग को जोड़ दिया। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है अतिरिक्त। अब अतिरिक्त शब्द है, इसको भी अपनों ने यहां पर इस प्रकार से जोड़ दिया। तो यहां पर भी सीधा का सीधा अति जुड़ा है। रिक्त शब्द है और इसके साथ अति उपसर्ग जुड़ गया। शय शब्द है, इसके साथ भी अति उपसर्ग जुड़ गया। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द और है अतिक्रमण। अब यहां पर भी देखिए, क्रम जो शब्द है उसमें अति उपसर्ग जोड़ दिया गया। सीधे के सीधे जुड़ रहे हैं, तो इस प्रकार से भी हो सकता है कि सीधे के सीधे उपसर्ग भी जुड़ सकते हैं। इस प्रकार से भी आ सकता है अत्याचार, अत्यंत। तो अत्युक्त या अत्युक्ति, इस प्रकार से शब्द भी आ सकते हैं। तो आप थोड़ा सा संभल कर देखिएगा कि परिवर्तन जो है वो सीधा का सीधा दिया गया है या संधि के तहत दिया गया है। दो प्रकार के जो शब्द उपसर्गों के साथ जुड़ते हैं, तो आप इनको ध्यान में रखते हुए प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हुए करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।